यूएसए के खिलाफ धड़कने रोक देने वाले मैच में टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर ने फंसाया, लेकिन सूर्या और शिवम दुबे की जोड़ी ने मिलकर टीम इंडिया को एक हारा हुआ मैच जिताया। बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया को सुपर 8 में पहुंचाया। दो टीमों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया। न सिर्फ टीम इंडिया ने सुपर 8 का टिकट पाया, बल्कि पाकिस्तान को भी अभी सुपर 8 के लिए जिंदा बचाया। यूएसए की टीम ने धड़कने रोक दी थी, सांसें थाम दी थी, लेकिन क्यों कहते हैं सूर्य कुमार यादव को मिस्टर 360 डिग्री, ये उन्होंने साबित कर दिखाया। शिवम दुबे ने भी युवराज वाला अंदाज दिखाया और टीम इंडिया को यूएसए के खिलाफ शर्मनाक हार से बाल बाल बचाया। जी हाँ, आखिरकार टीम इंडिया लगातार 3 मैच जीतकर सुपर 8 पे अपने ग्रुप से पहुंच चुकी है। यूएसए के खिलाफ हुए इस धड़कन रोक देने वाले मैच में टीम इंडिया एक वक्त हार की कगार पर खड़ी थी, लेकिन वहां से टीम इंडिया को दो धुरंधरों सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने बचा लिया और एक हारा हुआ मैच जिताकर सुपर 8 में पहुंचा दिया। इस मैच में यूएसए ने पहले बल्लेबाजी की थी, टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिली थी और पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटका दिए थे। अर्शदीप ने पहली ही बॉल पर शयान जहांगीर को 0 पर आउट किया, तो उसके बाद 5वीं बॉल पर एंड्रियस गॉस का विकेट लिया। हालांकि इसके बाद स्टीवन टेलर और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन लगातार एक छोर से विकेट गिरते रहे और पूरे 20 ओवर में यूएसए की टीम सिर्फ 110 रन ही बना पाई, जबकि उसके 8 विकेट गिर गए। टीम इंडिया की तरफ से गजब की गेंदबाजी कर दी अर्शदीप सिंह ने। वो अर्शदीप सिंह जिन्होंने जब एशिया कप में पाकिस्तान का कैच छोड़ा था, तब उन्हें खालिस्तानी तक करार दे दिया गया था, लेकिन लगातार अर्शदीप साबित कर रहे हैं कि वो टीम इंडिया के सबसे बड़े देशभक्त हैं और सबसे बड़े मैच विनर हैं। अर्शदीप ने सबसे पहले तो टीम इंडिया के लिए किसी भी T20 वर्ल्ड कप में बेस्ट स्पेल डाल दिया। आज तक अर्शदीप से बेस्ट स्पेल किसी भी गेंदबाज ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए नहीं डाला था। अर्शदीप ने पूरे 4 ओवर फेंके, सिर्फ और सिर्फ 9 रन दिए और 4 बड़े विकेट निकाले। ये अब तक का टीम इंडिया की तरफ से T20 वर्ल्ड कप का बेस्ट स्पेल है। इसके बाद शानदार गेंदबाजी हार्दिक पांड्या ने भी की। वो हार्दिक पांड्या जिनकी फिटनेस पर लोग सवाल उठा रहे थे, उनकी देशभक्ति पर लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर साबित कर दिया कि क्यों वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। हार्दिक ने पूरे 4 ओवर किए, सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए और 2 विकेट नाब किए। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट मिला। इसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी आती है। स्कोर चेस करना होता है 111, लगता है बड़े आसानी से चेस हो जाएगा, लेकिन टीम इंडिया को भी पहली गेंद पर छटका लग जाता है। विराट कोहली पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा भी सिर्फ 3 पर आउट हो जाते हैं, ऋषभ पंत देखते देखते 18 पर आउट हो जाते हैं। 7.3 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 44 रनों पर 3 विकेट हो जाता है। यहां से भारतीय टीम को लगभग जीत के लिए 70 रनों की दरकार होती है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे मैच पलटने वाली पारी खेल देते हैं। सूर्य कुमार यादव एक तरफ से लगातार चौके छक्के लगा रहे होते हैं, तो शिवम दुबे उनका बखूबी साथ दे रहे होते हैं। जैसे शिवम दुबे को भी मौका मिलता, वो भी हाथ खोलते और चौका छक्का लगाकर टीम इंडिया पर से प्रेशर कम कर देते। दोनों के शानदार नाबाद साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने 18.2 ओवर में ही इस स्कोर को चेस कर लिया। सूर्य कुमार यादव सबसे बड़े बल्लेबाज रहे, 49 गेंदों पर 50 बनाकर नॉट आउट रहे, तो शिवम दुबे 35 गेंदों पर 31 बनाकर नॉट आउट रहे। अब लगातार 3 मैच जीतकर टीम इंडिया पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर आ गई है और 6 पॉइंट के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई है। टीम इंडिया की इस जीत ने पाकिस्तान को भी क्वालिफाई करने का एक मौका दिया है। अब अगर यूएसए की टीम को आयरलैंड हरा देती है और पाकिस्तान आयरलैंड को अपना आखिरी मुकाबला हरा देती है, तो पाकिस्तान अच्छे रन रेट के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करती है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपका प्रेडिक्शन है कमेंट करके बताएं।